सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एम टेक पॉइंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में रेडमी K30 4G मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल के बीच में। ये तीनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे आपको कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर तीनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटे जरूर बजा देना। तो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की बॉडी टाइप के। तो यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल और रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल, ये तीनों मोबाइल में जो है कंपनी ने ग्लास बॉडी दिया है, जो कि नो डाउट आपको तीनों स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, तीनों मोबाइल की थिकनेस एंड वेट के बारे में बात करो तो रेडमी K30 मोबाइल जो है आपको 8.8 mm थिकनेस में मिलेगा और रियलमी X2 प्रो मोबाइल जो है आपको 8.7 mm थिकनेस में मिलेगा, जो कि रेडमी K20 प्रो मोबाइल जो है आपको 8.8 mm थिकनेस में मिलेगा। बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की वेट के। तो यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल जो है आपको 208 ग्राम में मिलेगा और रियलमी X2 प्रो मोबाइल जो है आपको 199 ग्राम में मिलेगा, जो कि रेडमी K20 प्रो मोबाइल जो है आपको 191 ग्राम में मिलेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेडमी K20 प्रो मोबाइल और रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K30 मोबाइल, ये तीनों स्मार्टफोन में जो है आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन दिया है कंपनी ने, जो कि नो डाउट आपको तीनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले प्रोटेक्शन बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की डिस्प्ले टाइप एंड साइज के। तो यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल जो है आपको 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ मिलेगा और रियलमी X2 प्रो मोबाइल जो है आपको 6.5 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि रेडमी K20 प्रो मोबाइल जो है आपको 6.39 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि डिस्प्ले साइज आपको थोड़ा छोटा मिलेगा रेडमी K20 प्रो मोबाइल में, और डिस्प्ले थोड़ा आपको ज्यादा बड़ा मिलेगा रेडमी K30 मोबाइल में, जो कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी यहाँ पर रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको बेहतर मिलेगा, क्योंकि दोनों मोबाइल में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है, जो कि डिस्प्ले की जो डिजाइन है यहाँ पर आपको रेडमी K30 और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको बेस्ट दिखने को मिलेगा, जो कि रियलमी X2 प्रो मोबाइल में आपको जो है वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले दिया है और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको फुल व्यू डिस्प्ले दिया है और यहाँ पर जो है डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ मिलेगा रेडमी K30 मोबाइल। तो आपको जो कौन सा मोबाइल का डिस्प्ले डिजाइन पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के प्रोसेसर के। तो यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल में जो है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट दिया है, जो कि 8 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टाकोर 2.2 GHz में क्लॉक्ड है, और रियलमी X2 प्रो मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+ का चिपसेट मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टाकोर 2.9 GHz में क्लॉक्ड है, जो कि रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टाकोर 2.8 GHz में क्लॉक्ड है, जो कि प्रोसेसर आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में, जो कि मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको नो डाउट रेडमी K30 मोबाइल का भी प्रोसेसर बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा ये दोनों मोबाइल के मुकाबले। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU के। तो यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 के साथ एड्रीनो 618 का GPU दिया है, जो कि रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 9 के साथ एड्रीनो 640 का GPU दिया है, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको तीनों स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग ग्राफिक आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में, जो कि मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको रेडमी K30 मोबाइल का भी आपको गेमिंग ग्राफिक जो आपको बहुत ही बेहतर को मिल जाएगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के रियर कैमरा के। तो यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल में आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा दिया है, जो कि 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, जो कि रियलमी X2 प्रो मोबाइल में भी आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा दिया है, जो कि 64 MP प्लस 13 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP, जो कि रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा दिया है, जो कि 48 MP प्लस 13 MP प्लस 8 MP, जो कि रियर कैमरा के मुकाबले आपको रेडमी K30 और रियलमी X2 प्रो मोबाइल में आपको जो है रियर कैमरा आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा रेडमी K20 प्रो मोबाइल के मुकाबले। तो गाइस, तीनों मोबाइल की सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो रेडमी K30 मोबाइल में आपको डुअल सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि 20+2 MP, एंड रियलमी X2 प्रो मोबाइल में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया है, एंड रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको 20 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि नो डाउट आपको तीनों स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा।
तो अब बात कर लेते हैं तीनों मॉडल की बैटरी की। तो यहाँ पर रेडमी के 30 मोबाइल में जो है आपको 4500 mAh का बैटरी मिलेगा और भी 27 वाट फास्ट चार्जर के साथ, और रियलमी X2 प्रो मोबाइल में जो है आपको 4000 mAh बैटरी के साथ 50 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में आपको 4000 mAh बैटरी के साथ 27 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, जो कि यहाँ पर बैटरी यहाँ पर थोड़ा पावरफुल मिलेगा रेडमी K30 मोबाइल में। और रियलमी X2 प्रो मोबाइल में जो है आपको बैटरी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा क्योंकि इस मोबाइल में 50 वाट का फास्ट चार्जर दिया है कंपनी ने। स्टोरेज और रैम की बारे में बात करो तो यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल जो है आपको 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलेगा, और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा, और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इस मोबाइल में आप कार्ड एक्सपर्नेबल कर सकते हो 256GB तक। और यहाँ पर रियलमी X2 प्रो मोबाइल में जो है आपको 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा एंड 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इस मोबाइल में कार्ड एक्सपर्नेबल करने की सपोर्ट नहीं दिया है। और यहाँ पर रेडमी K20 प्रो मोबाइल में जो आपको 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इस मॉल में भी कार्ड एक्सपर्नेबल करने की सपोर्ट नहीं दिया है कंपनी ने। तीनों मॉल के सिम स्लॉट के बारे में बात करते हैं, पर रेडमी K30 मोबाइल में जो है आपको डुअल सिम प्लस SD कार्ड लगाने का सपोर्ट दिया है, जो कि रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में सिर्फ आपको डुअल सिम का सपोर्ट दिया है, जो कि SD कार्ड लगाने का सपोर्ट नहीं दिया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर रेडमी K30 मोबाइल में भी आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलेगा, जो कि दोनों मॉल का डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं दिया है कंपनी ने। तो तीनों मॉल की फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करते हैं, पर रेडमी K30 मोबाइल में जो है आपको वॉल्यूम सेट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और रियलमी X2 प्रो मोबाइल और रेडमी K20 प्रो मोबाइल में जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो कि तीनों मोबाइल में आपको फेस अनलॉक का फीचर्स भी दिखने को मिल जाएगा। ये तीनों स्मार्टफोन का जो फीचर्स है आपको बहुत बेहतर दिखने को मिल जाएगा। तीनों मोबाइल की कलर्स के बारे में बात करो तो रेडमी K30 मोबाइल जो है आपको ब्लू रेड एंड पर्पल कलर में मिलेगा, और रियलमी X2 प्रो मोबाइल जो है आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर में मिलेगा, और रेडमी K20 प्रो मोबाइल जो है आपको रेड ब्लू एंड व्हाइट कलर में मिलेगा। तो गाइस आपको कौन सा मोबाइल का कलर ज्यादा पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तीनों मॉल की मार्केट प्राइस के बारे में बात करो तो रेडमी K30 मोबाइल जो है आपको अंडर 16,000 में मिलेगा, और रियलमी X2 प्रो मोबाइल जो है आपको अंडर 30,000 में मिलेगा, और रेडमी K20 प्रो मोबाइल जो है आपको अंडर 27,000 में मिलेगा। तो गाइस आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मोबाइल का फीचर्स बेस्ट लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड।